तो एमपी बोर्ड के क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों, अब चिंता हुई आपकी खत्म, क्योंकि 6 मार्च का जो पेपर आएगा वो पेपर का सॉल्यूशन आपको पूरे का पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, सॉल्यूशन को अच्छे से समझाऊंगा, साथ में क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे, ताकि आप जब परीक्षा हाल में देने जाओ तो पेपर जैसे आए आप टॉपर बन जाओ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो सही विकल्प है, 6 देंगे। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जय शंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? गधे को नहीं आता। माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत था तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन उसकी निंदा करेंगे। यहां पर अपन लिख देते हैं सज्जन। महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है, या फिर हम लिख सकते हैं संपूर्ण चित्रण हो सकता है। तो यहां पर मैं विस्तृत भर देता हूं। सूर्य का जो तद्भव है, सूर्य का हो जाएगा सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हौज बंद कर में बंद कर दिए गए। यहां पर लिख देते हैं कांजी हौज में बंद कर दिए गए। दो बैलों की जो कथा है वो गद्य की कहानी विधा है। बढ़िया से शांति से और धीरज से आपको काम लेना है, अच्छे से सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा पूरे पेपर का। ऐसा नहीं है ना, पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा ये क्या है? ये नाटक है क्या है? तो पंचवटी का जो मिलान करिएगा आप, एक खंड काव्य है ना। दो बेलों की कथा के रचनाकार है हमारे प्रेमचंद। विद्यालय में यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो दीर्घ संधि बनेगी। पोतों की संतान लड़की परदादी, कई अंकों वाली रचना को हम नाटक कहते हैं। और टोपी आ जाएगा जूता। चलिए अब बात करते हैं सत्य असत्य की। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, सत्य है। रस से युक्त, रस युक्त वाक्य काव्य है। यहाँ कथन आचार्य विश्वनाथ का है, ये बात भी आपकी राइट बात है। झूरी का जो साला था वो गया था, सत्य है। हिमालय में दीर्घ संधि का उदाहरण है, हिमालय जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है क्या? ये भी आपका सत्य बात है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था क्या? और ये अंतिम जो है ये भी आपका असत्य रहेगा। बात करते हैं आगे की, तो यहां पर है आपका एक वाक्य में उत्तर। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में किया जाता है? देखिए नायक यानी कुग्गु समास है। जर्नल मिथिमेया का चित्र किसने मंगाया था? बहन लेखिका बहन रेनू ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ओके इतना। अब अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहां से अपन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? छायावाद, छायावाद के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। कबीर ने किस प्रकार ज्ञान के महत्व को बताया है?
या किस प्रकार के ज्ञान के महत्व को दिया है। कवयित्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ है। सखी ने गोपी से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों का के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। पाठ्यमुक्तक और ज्ञेय मुक्तक में कोई दो अंतर लिखिए। रौद्र रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिएगा। अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसके भेद बताइएगा। दोहा छंद की परिभाषा बतानी है, उसके भेद बताने हैं आपको। सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, कंप्लीट कर लो, है ना। यही प्रश्न आएंगे जिन बच्चों को बार बार ऐसा लगता नहीं 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 यार ये नहीं आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, परीक्षा हाल से आज कर मिलान कर लेना आप, तो है ना, जो बता रहा हूँ वो आए कि नहीं आए। गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व दीजिए। कोई दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता है। महादेवी वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। हो गया इतना। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। कभी अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिएगा। लेखिका महादेवी वर्मा ने उर्दू एवं फारसी क्यों नहीं सीख पाई। संधि किसे कहते हैं, उसके भेद बताना है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। यहाँ से देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिली हो कोई, ठीक है, प्रेमी से प्रेमी मिले तो सब विसंवरत होई। ये हो जाएगा इतना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे ध्यान से। ये हो गया इतना। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना बच्चों।